हम सीधे आ गए हैं गाइज अब एयरपोर्ट, और सामने देख रहे हैं गाइज वो है चेन्नई का अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिस पर अभी हम लोग आए हैं। और ये है मेरे पीछे हमारा टर्मिनल, जहाँ से अब हम लोग करेंगे एंट्री। तो देखते हैं यहाँ पर क्या खाते हैं। मैं और मेरे बच्चे सब पहुँच चुका है। तो गाइज ये थे हमारे सर, कैप्टन सर, जो कि हमें चेन्नई से मुंबई तक उड़ा कर लेके आए हैं। गुड इवनिंग, आपके आप सब एकदम अच्छे और मस्त होंगे, और हम लोग भी एकदम अच्छे हैं। तो गाइज आज हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हम लोग जाने वाले हैं एक लंबी सी जर्नी पे। तो गाइज हम लोग निकल गए हैं उस जर्नी के लिए। तो अभी बजी है शाम की 6 और हमारी फ्लाइट है गाइज चेन्नई से। तो फ्लाइट का टाइम है गाइज 10 बजे। तो अभी हम लोग घर से निकल गए हैं, और अभी हमने बुलाई है कैब, तो कैब से हम लोग जा रहे हैं गाइज एयरपोर्ट। और काफी एक्साइट है हम लोग जाने के लिए। क्योंकि हमारा मुहूर्त निकला है गाइज काफी लंबे टाइम बाद, जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं उसके लिए। तो अब हम कहाँ जाने वाले हैं, तो चलिए गाइज आपको है ना थोड़ा सा आगे जाकर बताते हैं। तब तक हमारा थोड़ा सा मार्केट में काम है, वो निपट लेते हैं, क्योंकि जो मेरा माइक है उसको लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है मुझे, और समझ सकती हूँ आपको भी प्रॉब्लम हो रही है आवाज में, थोड़ा सा हो रही है गाइस दिक्कत। तो हमने अभी एक एजेंट है उनसे बात किया है, तो आज हमें टाइम मिला है थोड़ा सा। तो हम लोग अभी जाएंगे माइक लेने के लिए, और फिर वहां से जाएंगे गाइस एयरपोर्ट। तो अभी हम लोग आ गए हैं गाइस यहाँ पर शॉप पर। मेरे पास ये वाला माइक था गाइस, लेकिन इसकी जो आईफोन की लीड थी वो इसमें कनेक्ट नहीं हो रही थी, इस माइक को आईफोन से कनेक्ट नहीं कर रही थी, तो इस वजह से आज हमें लीड लेनी पड़ी। इसमें लीड है तो लीड मुझे मिल गई है, तो मुझे अब दूसरा माइक खरीदने की जरूरत नहीं है, जो मेरा पहले वाला माइक है उसी से काम हो जाएगा। तो हम तो यही सोच के आए थे कि हम नया माइक लेंगे, लेकिन ठीक है हमें लीड मिल गई, तो एक बार इसी से काम चलाएंगे। चले तैशो, चलो 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 चलो। तो अभी हम लोग यहाँ से फ्री हो गए हैं, और अब गाइज हम लोग निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। यहाँ से माइक की लीड लेने के बाद हम सीधे आ गए हैं गाइज अब एयरपोर्ट, और सामने देख रहे हैं गाइज वो है चेन्नई का अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिस पर अभी हम लोग आए हैं। और आज गाइज हम लोग जा रहे हैं हमारे होम टाउन, यानी राजस्थान उदयपुर। तो गाइज फाइनली आज हम लोग जा रहे हैं 1 साल के बाद उदयपुर। तो गाइज हम लोग आ गए हैं एयरपोर्ट पर, और ये है मेरे पीछे हमारा टर्मिनल, जहाँ से अब हम लोग करेंगे एंट्री। तो इधर इधर तैशो बच्चा काफी एक्साइट है घर जाने के लिए, है तैशो? बहुत एक्साइट हो ना, आ जाओ, चलो चलो चलो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। चलो चलो आ जाओ इधर। तो अभी हमने हमारा लगेज भी इधर रख दिया है, और हस्बैंड जा रहे हैं गाइज ट्रॉली लेने के लिए, और पावो बच्चा यहाँ पर बैठा है। पावो कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, घर पे? कहाँ जा रहे हो बच्चा? घर पे। लेकिन वो गिर जाएगा अभी। चलते जा रहे हैं। ट्रॉली अब अरे कम दौड़ो कम दौड़ो, थोड़ा सा कम दौड़ो। तो ट्रॉली हमारी आ गई है, और इस पर रखेंगे अब हम लगेज, और इसके बाद जाएंगे गाइज अंदर।
ये गिर जाएगा। अरे ये भी उतर गया, ये भी उतर गया। तो सामान हमने अभी रख दिया है गाइस ट्रॉली पर और अब पाऊ बच्चा खुद से ही चलने लग गया। क्या हुआ, बैठना है आपको? हाँ इनको बिठा दो दोनों को ऊपर, बैठ जाओगे दोनों? हाँ पाऊ बच्चे से बैठ जाएगा। तो सामान हमने रख दिया है और एक बड़ा सामान भी है हमारे पास जिसको भी हमने रख दिया है। तो ये है गाइस चेन्नई एयरपोर्ट और अभी जो टर्मिनल आप देख रहे हैं ये है गाइस डोमेस्टिक और इंटरनेशनल अलग है। तो हम लोग जा रहे हैं डोमेस्टिक टर्मिनल की तरफ। ओ बच्चा चलो, तो अभी हमने ना टैशू की गोद में पापा को भी बिठा दिया है क्योंकि अब हमें सारे पेपर्स वगैरह चेक कराने हैं, आईडी वगैरह। चेकिंग के बाद हम लोग अंदर आ गए हैं और अब मरेंगे आगे। ये पापा बच्चा मान ही नहीं रहा है। उतर गया, अब इसको खुद सेल्फ चल के जाना है। नहीं होगा ज्यादा, चलो बाबू। चलो चलो चलो। तो गाइस हम लोग कर रहे हैं इधर, हमारे पास जो लगेज है उसका वेट ज्यादा आ रहा है क्या? 17? अब कोई बात नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। तो अब हम लोग आ गए हैं गाइस और यहाँ से हम लेंगे बोर्डिंग। तो वैसे तो हमारा इंडिगो का है टिकट, तो अब हम जाएंगे इंडिगो वाले सेक्शन में, तो वहां से हम लेंगे बोर्डिंग। और हमारी फ्लाइट तो वैसे है गाइस 10:30 पर, लेकिन बोर्डिंग ले लेते हैं पहले और फिर जाते हैं अंदर। चले हाँ तशी की तो मजे आ गए आज। हाँ मन इतना एक्साइट हो आप है, इतना फास्ट फास्ट जो ना धक्का मार रहे हो। घर जाके मजा आएगा। एंटर होने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं गाइस बोर्डिंग पास लेने के लिए। इधर पापू और हस्बैंड दोनों ले रहे हैं गाइस बोर्डिंग पास और हमारा सामान भी अब यहीं पर जमा हो जाएगा, इससे आगे सामान लेकर नहीं जा सकते हैं और ये सामान हमें सीधा अब उदयपुर जाकर ही मिलेगा। तो गाइस हमने बोर्डिंग पास ले लिया है और अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट आगे। हाँ का है काऊ, का है काऊ, मैन 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 पाऊ बोल रहा मैन मैन। और इधर बना है सुंदर सा एक मंदिर। चलो 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 चलो। तो गाइस वो लोग तो काफी आगे चले गए और मैं और पाऊ दोनों पीछे रह गए। पाऊ काऊ देखने लग गया और मैं उसके पास। हाँ हाँ आ रही हूँ आ रही हूँ। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज में से एक फॉर्मेलिटीज ये भी है गाइस यहाँ पर हो रहा है हम सबका फेस स्कैन। तो अब हमारा यहाँ पर हो गया गाइस फेस स्कैन और अब हम नेक्स्ट जाएंगे आगे। अब होगी हमारे सामान की चेकिंग और मैं लाई हूँ बहुत सारा कॉस्मेटिक का सामान। अब देखते हैं उसमें से क्या क्या होता है रिजल्ट। मेरी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ है गाइस। वैसे मुझे पता था लेकिन डोमेस्टिक में तो खैर चलता है थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा, तो इसलिए हम लोग देखते हैं अब क्या होता है। भगवान बचा दो मेरे मेकअप का सामान। तो यहाँ पर हमारे जितना भी सामान है बैग में पर्स में सारा होगा गाइस चेक। तो हमने हमारा सामान ले लिया है और अब हम लोग फ्री हो गए हैं चेकिंग वगैरह सब चीजों से। तो अब हम जाएंगे उस जगह पर जहाँ पर हमारी फ्लाइट लगेगी। तो हमारी फ्लाइट है 10:30 पर और वो भी 12:30 बजे के लगभग हमें मुंबई पहुंचा देगी और फिर वहां से 3-4 घंटे का रेस्ट है। फिर इसके बाद मॉर्निंग में 6 बजे है फ्लाइट नेक्स्ट
तो अभी हम लोग यहाँ पर टाइम पास कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारी फ्लाइट लगी नहीं है। तो अभी आ गए हैं गाइस हम फूड कोर्ट में, तो देखते हैं यहाँ पर क्या खाते हैं। मैं और मेरे बच्चे सब पहुँच चुका रहे। जो हमारा गेट था गेट नंबर 2, वहाँ से फिर हमको एंट्री मिल गई है, बोर्डिंग पास हमारा चेक हो गया है। फिर अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट फ्लाइट में बैठने के लिए। तो फाइनली गाइज हम लोग अब एंटर हो चुके हैं। आगे बढ़ गए हैं। बाबू बच्चे कहाँ जा रहे हो? घर पे? हाँ कहाँ जा रहे हो? घर पे? मेरे घर जा रहा हूँ गाइज, में तो मैं घर जा रहा हूँ। क्या हुआ? हाँ ऐसा चलने दो ना, चलाओ चलाओ। डेली छत पे जाके एरोप्लेन देखते थे, देख देख कर फिर घर पे जाने की इच्छा करती थी। सो हम आ गए हैं गाइस अंदर। अभी आ गए हैं गाइस हम लोग फ्लाइट के अंदर और मैं पहुंच रही हूं अपनी सीट पर। तो हमारी लास्ट में है सीट, तो चलते हैं और मिलते हैं आपसे सीट पर बैठकर। मैं सीट पर आ गई हूं और अभी थोड़ा टाइम है फ्लाइट में। और इधर पाऊ बच्चे से एक दीदी मिलने के लिए आए हैं, लेकिन पाऊ बच्चा डर रहा है, बात नहीं कर रहा है। ओए बच्चे, हाँ बात करो ना दीदी से। अब वो चले गए ना, इसके बाद देख रहा है, इतनी देर तो खेल ही नहीं रहा था उनके साथ। पापू से एक और दीदी मिलने के लिए आ गए। अरे बच्चे तेरे तो मजे हैं। गाइस है ना, सारा स्टाफ एक एक करके ना पापू से मिलने के लिए आ रहे और पापू बच्चा कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा उनको, वो डर रहा है। इधर है ना पावो को दीदी लेके चले गए हैं और अभी पूरी फ्लाइट में घूम रहा है, सबसे दोस्ती कर रहा है। तो गाइज अभी बजी है रात की 1 और हम लोग मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। हम वैसे तो चेन्नई से 10:30 बजे रवाना हुए थे और अभी हम लोग मुंबई एयरपोर्ट पे आ गए हैं और देख सकते हैं आप मेरे पीछे पूरा प्लेन हो गया है खाली और वो दीदी लोग हाय कर रहे हैं।
तो अभी वैसे तो उदयपुर के लिए सुबह 6 बजे हमारी नेक्स्ट फ्लाइट है, तो लेकिन अब हम लोग यहाँ पर मुंबई में वेटिंग रूम में जाकर और फिर 3-4 घंटे करेंगे वेट, और इसके बाद गाइज हमारी 6 बजे है नेक्स्ट फ्लाइट। तो अब जाते हैं अंदर टर्मिनल के अंदर, और इधर टशु बच्चा मेरे आगे आगे पहले ही आ चुका है, और मान्या और उसके डैडी तो काफी पीछे है, मैं आगे आ गई हूँ थोड़ा सा। तो चले गए लोग, आप पीछे ही थे दीदी के, मैं साइड में हो जाती हूँ ना, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। तो गाइस ये है इंडिगो का सारा स्टाफ, और उन्होंने बहुत अच्छे से हमें सेवा दी, थैंक यू। चले चले चले, ओके बाय, गुड नाइट। ओके हेलो सर, हेलो सर, नाइस टू मीट यू। तो सर, तो गाइस ये थे हमारे सर, कैप्टन सर, जो कि हमें चेन्नई से मुंबई तक उड़ा कर लेके आए हैं। ओके बाय बाय। ओके सर जी, सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, और आराम से लेके आए हमें। ओके बाय बाय बाय, टेक केयर। तो अभी मैं बाहर आ गई हूँ, और तशु बच्चा यहाँ देख रहा है नेक्स्ट फ्लाइट, कहाँ लगने वाली है नेक्स्ट फ्लाइट। तो अब हम लोग जा रहे हैं गाइस बाहर और वेटिंग रूम में जाके और फिर करेंगे वेट। मुंबई टू उदयपुर के लिए जहाँ फ्लाइट लगेगी उस टर्मिनल तक पहुँचने के लिए गाइज हम लोग जा रहे हैं इस गाड़ी में बैठकर, क्योंकि टर्मिनल बहुत ज़्यादा दूर है, और आज वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है, तो इसलिए आज की वीडियो को करेंगे गाइज बस यहीं पर एंड। और इसी वीडियो का सेकंड पार्ट बहुत जल्दी इसी वीडियो के साथ अपलोड कर दूंगी मैं, और मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो गाइज प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेक केयर, बाय बाय।